दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सचिन सजवाण में। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया एकदम मस्त होंगे। तो आज के नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ, बहुत सी मतलब धूप हो रही है यहाँ पे और आज मन हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा ठंडा मौसम भी है, आज खटाई खाने का मन हो रहा है। तो आज हम दिखाएंगे कि पहाड़ी जो खटाई होती है वो कैसे मतलब मिक्सअप करके उसे बनाया जाता है और उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है, और आज हम दिखाने वाले हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। बड़ी जी हमारे साथ, बड़ी जी कोई गीत सुना, पुराना गीत सुना, कोई सुना क्या बात है, क्या बात। खटे कन कन बन दी, मतलब खटे खटे ठीक होंगी सर्दियों में खाना अच्छी बन दी। अच्छा अच्छा, गर्मियों में तो खैर बन दी कखा अबरी खूब मतलब नहीं अबरी नहीं। अच्छा अच्छा, और ये है दोस्तों, ये हम ला चुके हैं असला, 2, 4, 6, 8, 10 है हमारे पास, 8 हमारे पास ऐसे नारंगी टाइप की है, नारंगी संतरा टाइप का, और 2 हमारे पास खटाई है, ये खटाई होती है पहाड़ी खटाई। और ये थाली और चक्कू आ चुका है, अब धीरे धीरे हम इसकी शुरुआत करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। ये हमारी ताई जी आ गई हैं, ये हिसार से आए हैं, ये पहले घर ही रहते थे आजकल घर आ रखे हैं, और आप बस बने रहे हैं आप लोग हमारे साथ। बड्डी जी तुम्हारा जमाना जन पुराना जमाना ना जन जन यू खटे जन खटे बनो लो तुम्हारे जमाना कन कन बनो तक खटे के डाल देते हैं तुम जी को तेरे ने बोल दाम। अच्छा हां तेरे ने जरदान है नहीं भी जरदान कड़वा तेल है मसाला है मिर्च है। अच्छा अच्छा, और वो मले भी डालते हैं। हां अच्छा अच्छा, बोल दाम जमाई ले दे। अच्छा अच्छा, जाना कि क्या क्या जो ट्रेडिशनल चीजें होती थी, कैसे कैसे बनता था सलोटा कुछ पिस्यू लोन हो, काफी आपने देखा होगा बहुत टेस्ट होता, आज भी गांव में बनाते हैं लोग। और अभी तो करके बहुत सारे जो छोटी छोटी जो फूड प्रोडक्ट जो बेच रही हैं जो कंपनियां, मैंने देखा है वो पहाड़ी जो नमक है वो भी बेच रहे हैं, जो पहाड़ी जो चीज़ें हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं वो भी बिक रहे हैं। और ट्रेडिशनल चीज़ें हमारी ज़िंदा रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी है, हम चाहे कितना भी मतलब आगे बढ़े, हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो आज आपके लिए मतलब स्पेशली आज जो ब्लॉग है वो इसी के लिए बनाया मैंने, ज़रा थोड़ा खटाई वगैरह के लिए। थोड़ा बड़ी जी लोगों से बात करके मतलब बहुत अच्छा लगता है, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है उनसे, और वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हमारे काम आता है। बड़ी का बाल भी सफ़ेद हुए कहने में, बड़ी बाल सफ़ेद उम्र हुई सब कती तुम्हारी एज कते उम्र कते तुम्हारी 90 भाई साहब, बड़ी भी सेंचुरी पार करने वाला। ये पुराने जो एक्सपीरियंस होते हैं यही बहुत काम आते हैं, जो कि हम लोगों के साथ शेयर करने से हमको पता चलता है कि इन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल किया है, जो हमारे पहाड़ है। हमको तो खैर इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता आज की डेट में। तुम पहले घास कक जानते हैं पाले बन आज के डेट में कहीं मट्ठा मुठ्ठा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि आज के दिन बहुत कम लोगों के पास भैंस है, आजकल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले जो प्रक्रिया वो स्टार्ट हो चुकी है, देखो यहाँ पर इसको ढंग से इसका जो बाहर का बक्कल होना ना उधर निकाल दे जाने लगे, और अब धीरे धीरे इसका प्रोसेस जारी होगा। तो हम ये पारंपरिक जो एक सिलोटा होता है इससे पीसा जा रहा है नमक, क्या क्या ताई डालने लगे, नमक मसाला और ये देखिए सर, इससे मतलब बहुत ही अच्छा मिक्सअप हो जाता है इन सारी चीज़ों का, और इसको डालते ही मतलब क्या रसायण वाला जो लून होता जो रसायण है जानी गढ़वाली में जिस शब्द से बोले जाऊँ, तो अब इसको पीस के अब सीधे उसमें मिलाया जाएगा। यहाँ पर अब काम स्टार्ट हो चुका है, खट्टे भयंकर खट्टा भी तेना बनानी मत बिंदा दीदी और रगौन था यार भयंकर मजा ओखो बन अरे मैं तो मैं जो बक्कल लग रहा
दादी क्या मेरे छंदे रोटी रखी है मम्मी ये खाना मसाला यहाँ पर आ चुका है और ये चीनी भी आ गई है और अभी टाइम है थोड़ा खटाई बनने में। ये खटाई है जो वो पूरी छिल चुकी है और ऐसे ऐसे काटने पड़ते हैं, देखो कट चुका है। ये खटाई है अलग से रखी, बहुत खट्टी होती है ये। धीरे धीरे अब इसमें मसाले भी मिलाए जाएंगे। यमन आवाज मारा खटाई खाने वालों भाई, यार लोग आला तो एक एक पीस भी नहीं मिलने। नहीं इसे लोटा को नमक ना कितना तगड़ा ढंग से पीसे था भाई साहब के खुशबू होने पर दिल्ली की। और ये तेल पड़ता हुआ यहाँ पर कड़वा तेल, यानी कि सरसों का तेल, गढ़वाली में इसे कड़वा तेल बोलते हैं। और किलो नमक अब बोलो ना, तेल कम दंडा लाई पड़ती हुई। 1 2 3 गो गो है थोड़ा वेपर बचे थे कटे में जी। और ये पानी पानी सट को पानी तक लो बोले हम नहीं खानी अब खटे रन लगी एकदम। और ये मिक्सअप हो रहा है इसका जो भी मसाले वगैरह है। दोस्तों माफी चाहते हैं, अगर आप लोग होते तो आप लोग भी खाते बट तुम्हारा बेगी खिंचाओ तो पानी ये सुना ली थी टपकारा मान पर लगी हुई रखा रखा सब भूखा था रखा। चाउमीन बना रही चाउमीन है चाउमीन है मैं तो कटे कटे नहीं खाऊं खटे। हाँ इसमें तुमने मिक्स नहीं करा क्या वो? आओ जी बिल्कुल जय हो पितर देवतों की। देखो ऐसे चढ़ाते हैं पहले, देखो अब देखा बड़ी अब कहाँ होनो एक दिखा आप कैमरा पर बता कहाँ होनो ठीक होनो ठीक होनो गजब खा खा चला बढ़िया सब कुछ निपट चुका है। कटाई खत्म पानी दो हो गए। ठीक साहब दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। माफी चाहता हूँ, आप लोग भी होते तो आप लोगों को भी खटाई मिल जाती और इसी के साथ आप खटाई खाते हैं। थैंक यू सो मच आप लोग ऐसे बने रही हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोग चैनल को लाइक किए, शेयर किए वीडियो को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।